नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा जनपद शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष अमित शर्मा की पत्नी के निधन का समाचार सुनकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री श्री राम आश्रय विश्वकर्मा आज उनके घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। श्री विश्वकर्मा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए जनपद शाहजहांपुर के समाजवादी पार्टी और गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील की। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा ने झूठ बोला था तथा गुमराह करके पिछड़े वर्गों का वोट लिया और बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन भाजपा सरकार में न नौकरी मिली, न रोजगार मिला, न सम्मान मिला, न अधिकार मिला। पिछड़े वर्गों का आरक्षण भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया। भाजपा सरकार में पिछड़े वर्गों तथा विश्वकर्मा मैथिल पांचाल समाज के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार सबसे ज्यादा हुआ। समाज के लोग जगह जगह अपमानित हुए, लेकिन भाजपा सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई। भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिवस की छुट्टी को भाजपा सरकार ने निरस्त कर भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया। भाजपा राज्य में सहारनपुर में पत्रकार आशीष धीमान, कुशीनगर में पत्रकार राधेश्याम विश्वकर्मा, झांसी में पत्रकार जितेंद्र विश्वकर्मा की हत्या हुई। भाजपा सरकार में पत्रकार परिवार न्याय नहीं मिला। उन्नाव पीड़ित शाहजहांपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन पिछड़ा वर्ग विरोधी रवैये के कारण विश्वकर्मा परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। ऐसे तमाम भाजपा की कुनीतियों को गिनाया और कहा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ सरकार कोई है तो समाजवादी पार्टी की सरकार है। खबर आजमगढ़ से है, जहां कुछ दिन पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ता बजरंग मिश्र के ऊपर हुए प्राणघातक हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब यह मामला बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पहुंच गया है, जहां मामले का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही के लिए बार काउंसिल ने पत्र जारी किया है। इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सभाध्यक्ष जय नारायण पांडे एडवोकेट हाईकोर्ट आजमगढ़ पहुंचे और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आरोपियों के ऊपर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो इस मामले को हम शासन स्तर तक उठाएंगे। उन्होंने भी कहा कि बजरंग मिश्र एडवोकेट के घर पर आरोपियों द्वारा लोगों को भेजकर मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहे हैं। ऊपर से भी कह रहे हैं कि यदि और भी मेरे घर का कोई व्यक्ति जल गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जयनारायण पांडे का कहना है कि शासन को भी बार काउंसिल ने पत्र भेजा है और शासन इस पर कार्रवाई जरूर करेगा। यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो प्रशासन पर कार्रवाई होगी। इसके पूर्व सह अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए। क्या कुछ कहा जय नारायण पांडे ने, सुनिए। एक पकड़ा गया है, बाकी तो मिल के सब मारे हैं ना, तो मुख्य तो सभी है। हम कैसे कहें केवल एक चोट तो कई आई है तो, और टॉर्चर तो कई लोग किए हैं तो सभी आरोपी है। ऐसे में यदि गिरफ्तारी प्रशासन अन्य लोगों को नहीं करती है या कुछ और भी हिलावाली करते तो क्या करेंगे आपका अधिवक्ता संघ, क्या करेगा? देखिए, मैंने लेटर जारी की है, अगर नहीं करते हैं, हमने शासन पर भी लिखा है, वहां से कार्रवाई जरूर होगी, शासन कार्रवाई जरूर करेगा और शासन इस समय बहुत एक्टिव है। अगर ये नहीं करेंगे तो पुलिस के खिलाफ शासन कार्रवाई करेगी। सर, जिस तरह से अधिवक्ताओं पर आए दिन इस तरह के हमले हो रहे हैं, यहाँ तक की हत्याएं भी हो रही हैं, तो इस तरह से अधिवक्ता जो महफूज नहीं है, आप आरक्षण में उनकी सुरक्षा में? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो चारों तरफ डिमांड हुई और सभी घटनाएं घटी, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी। ड्राफ्ट बना के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ड्राफ्ट बना के भारत सरकार के पास भेज दी गई है। अब उनका काम है कि वो संसद में प्रस्ताव ला के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू करें, और ये हम लोग की डिमांड चल रही है और ये डिमांड हम लोग किए हैं गवर्नमेंट से। हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी वो लागू हो जाएगा, ये उम्मीद करते हैं हम और ये मांग करते हैं। जहां सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के उडुपी में हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में प्रवेश वर्जित किया जा कहा है और अपमानित किया जा रहा है। इसके विरोध में आज नगर पंचायत जैनपुर के समाजसेवी निहाल मेहरी, अध्यक्ष नेशनल माइनॉरिटी सोशल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित होकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी सगड़ी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग किया कि कर्नाटक में हो रहे हिजाब विरोधी प्रकरण पर सरकार संज्ञान ले और इस पर तत्काल अंकुश लगाया जाए ताकि यह घटना भारत में अन्य कहीं पर भी दोहराई न जाए, क्योंकि हिजाब इस्लाम धर्म में महिलाओं के लिए एक अनिवार्य प्रथा है जिसका सम्मान संविधान में भी किया गया है और भारत के संविधान में सभी धर्म के लोगों को अपनी आस्था के अनुसार पहनावा और पूजा पाठ की स्वतंत्रता दी गई है। समाजसेवी निहाल मेहदी ने कहा कि कर्नाटक की घटना पूर्ण रूप से संविधान विरोधी घटना है, जहां पर एक भीड़ द्वारा धार्मिक नारा लगाते हुए एक हिजाब पहनी हुई लड़की पर आक्रमण किया जाता है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके विरोध में जीएनपुर के मुस्लिम समाज ने
महामहिम राष्ट्रपति को क्या संबोधित ज्ञापन दिया। इस मौके पर मदर टेरेसा फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी सजादे खान, जनरल सेक्रेटरी नजरिया आलम खान, शाह आलम मास्टर बसपा नेता रमेश कुमार सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा निहाल मेहदी ने, सुनिए। निहाल मेहदी सर, आपके द्वारा यहाँ पे किस तरह का ज्ञापन दिया गया सर, क्या आपके द्वारा? देखिए, आज ज्ञापन हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित करके एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी सगड़ी के माध्यम से भेजा है। ज्ञापन में ये हमारी मांग है कि जो पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है, उसके उपलक्ष में हमने एक ये ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन देने का मकसद ये है कि जहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी एक तरफ नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है सरकार, और वहां पे उसी भारत के एक राज्य में इस तरह की कृत्य हो रही है कि एक बेटी को हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश वर्जित किया जा रहा है और उसके तमाम तरह के उसको प्रताड़ना दिया जा रहा है, तो इसके विरोध में हमने जो है ज्ञापन दिया है कि हिजाब पहनना जो है इस्लाम का एक अंग है और इसको किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से इसको इस पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। तो इसको हिजाब जो है वो अनिवार्य प्रथा है इस्लाम की और वो भारत में ये एक मौलिक अधिकार है और भारत में संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि हर धर्म के लोग अपनी आस्था के हिसाब से अपना पहनावा ओढ़ावा कर सकते हैं और उसी के चलते जो है मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम बच्चियां नकाब लगा के स्कूल जाती हैं, जिसको आज के ताकतें रोकना चाहती हैं, लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे। नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिए, नायब तहसीलदार जी क्या कहा है आपसे? हमने उन्होंने अभी इसको टाइप करवा के ये जो है उन्होंने कहा है कि हम इसको DM साहब के पास भेज के और ये DM साहब के थ्रू जो है ये माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास चला जाएगा। मऊ जनपद में 6 सातीर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 8 अवैध असलहा, 6 तमंचा जिसमें है और 2 पिस्टल है तथा जिंदा खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक मऊ सुशील घुले के निर्देशन में विधानसभा चुनाव 2022 के सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद राजकुमार सिंह के परीक्षण में दिनांक यानी 10 फरवरी को रात्रि थाना रानीपुर पुलिस व SOG टीम को उस समय सफलता हाथ लगी जब देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 6 सातीर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा सगड़ी के भाजपा प्रत्याशी वंदना सिंह का चुनावी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन शुक्रवार को चैनपुर में हुआ। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वंदना सिंह ने कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने हमें यह मौका दिया है, आप सभी के सहयोग से सगड़ी में कमल खिलेगा। उन्होंने सभी लोगों का भावपूर्ण एवं विनम्रपूर्ण आह्वान किया कि सगड़ी में कमल खिलाने में जनता जनार्दन का सहयोग चाहिए, सगड़ी की जनता इसकी सेवा के लिए सदैव तैयार हो। दुर्ग विजय राय ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए ओजस्वी भाषण में कहा कि सगड़ी में पहले ही कमल खिल जाना चाहिए था, यहाँ भाजपा कार्यकर्ता जुझारू हैं, इस बार चूक नहीं करना है। उपस्थित कार्यकर्ताओं को खड़क बहादुर सिंह, देवेंद्र सिंह तथा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, सगड़ी विधानसभा के प्रभारी दुर्ग विजय राय, प्रेम प्रकाश राय, कृष्णपाल आदि ने भी संबोधित किया। दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि जिलाध्यक्ष भाजपा से ध्रुव सिंह और वंदना सिंह विधायक सोड़ी ने क्या कुछ कहा। आज हमारे इस चुनावी केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ के प्रत्याशी बनने के बाद आज और सारे का जो लोग हमारे अभी विधानसभा के चुनाव में टिकट मांग रहे थे, हमारे सम्भ्रांत लोग आदरणीय देवेंद्र सिंह जी जो पहले यहाँ लड़े वो भी मौजूद हैं, हमारे सच्चिदानंद सिंह जी भी मौजूद हैं, हमारे प्रेम प्रकाश राय भी मौजूद हैं, हमारे जो है घनश्याम पटेल जी भी मौजूद हैं, सारे अपने जितने नेता वरिष्ठ हैं यहाँ। एक खुशी की बात है, सब लोग एकत्रित होकर के आज इस केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में आए हुए हैं और सब हमारे कार्यकर्ता यहाँ जो हजूम दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, आम जनता का, इससे पूरा हम लोग विश्वास में हैं इस बार इस सगड़ी विधानसभा में कमल का फूल जरूर खिलेगा।
सर, चूंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, 10 विधानसभाओं की जिम्मेदारी आपके सर पे है, क्या उम्मीद की जा सकती है? सभी विधानसभाओं में इस बार कमल का फूल खिल रहा है, जनता नीचे एकदम अंडर करंट है, आम गरीब जनता बोल रही है गाँव गाँव में हम लोग जा रहे हैं, इस बार मोदी और क्या कहते हैं आज जो है करल का उद्घाटन किया गया है, क्या कहते हैं? आज सगड़ी विधानसभा में मेरे आवास पे कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। सबसे पहले तो मैं सभी जितने भी बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, हमारे जिला अध्यक्ष जी और इस विधानसभा के प्रभारी और हमारे बड़े भाई माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी और जितने भी हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग हमारे जितने भी विधानसभा से आए हुए हैं उनका सबका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि आज इतनी संख्या ये दर्शाती है कि हम लोग सगड़ी में कमल अवश्य खिलाएंगे। ठीक है। आजमगढ़ के जैनपुर से खबर है, जहां जैनपुर कोतवाली के सिखपुरा मसूना बाजार में गुरुवार शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुसे चोरों ने 5 लाख नकदी सहित लगभग 10 लाख रुपए का सामान चुरा लिया है। सुबह को दुकान खोलने गए दुकान के मालिक सलीम अहमद की चोरी की जानकारी हुई। चोरी की जानकारी जैनपुर कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाल दिनेश कुमार यादव मौके पर पहुंचे और CCTV कैमरे से चोरों का सुराग लगाने में जुट गए। जैनपुर कस्बे से सटे ही अजमतगढ़ रोड पर चुनकपार पुलिया के पास सलीम फर्नीचर हाउस नाम की बड़ी फर्म है। फर्म मालिक सलीम अहमद पुत्र समीम अहमद गुरुवार को 8 बजे के लगभग दुकान बंद कर फर्म से सटे अपने मकान में चले गए। शुक्रवार को सुबह दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो शटर का ताला टूटा देख सन्न रह गए। उसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी। अब मौके पर पहुंची पुलिस हर पहलू पर जाँच कर रही है। मीडिया से हुई बातचीत में दुकान मालिक सलीम अहमद ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मेरा नाम सलीम है, सलीम फर्नीचर हाउस क्या घटना मेरा फर्म का नाम है। अच्छा, क्या घटना घटी आपके साथ? चोरी हुई है रात में करीब जो है 10 बजे से 11 बजे के बीच में, 11:02 पर दिखा रहा है कैमरे में। क्या क्या सर चोरी हुआ सर? उसमें जो है कैश काउंटर पूरा उठा ले गए हैं, कैश जिसमें था, चेकबुक थे, सारे कागजात थे, बाकी जो है सिलाई मशीन हुआ, बड़ी बड़ी एलईडियां थी, 50 इंच 43 इंच 32 इंच सारी एलईडियां उठा ले गए हैं और बहुत सा जो उनके छोटा आइटम जितना भी सामान समझ में आया वो सब उठा ले गए। तो लगभग कितना पैसा था? अब लगभग आकलन, सामान का आकलन तो जो है 10 लाख से ऊपर ही होगा, मतलब 10 लाख तो 2-3 TV 3-4 TV का हो जाएगा, मतलब 200 लाख से ऊपर का घटना है। कैश भी है। ठीक सर। कल के बिक्री का पूरा पैसा था कि आज बैंक में डालेंगे। ठीक सर। आजमगढ़ जनपद के सभी ब्लॉक में बेसिक शिक्षा की निगरानी व उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए BRC बनाए गए हैं। कई ब्लॉक में यह सेंटर काफी बेहतर हालत में है, लेकिन कोयलसा ब्लॉक के बूढ़नपुर स्थित BRC अंदर व बाहर दोनों तरफ से कबाड़खाना हो गया है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत बनाने पर लगे हैं, वही यहाँ सफाई नाम की चीज ढूंढने से नहीं दिखेगी। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि BRC के अंदर बना प्रसाधन कक्ष के दरवाजे ही नहीं है और जो है उसमें ताले लगे हैं। कमरे का फर्श टूटा है, भवन तेजी से खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। BRC की हालत बद से बदतर हो चुकी है, दीवार का प्लास्टर भरभराकर गिर रहा है, छत भी जर्जर हो गया है, छत से पानी टपकता है, खिड़की दरवाजे भी दुरुस्त नहीं है। बगल में बने एक कक्षीय व दो कक्षीय भवन भी लगभग खंडहर में तब्दील हो रहा है। यह BRC अंदर कबाड़खाना हो गया है। हर साल लाखों रुपए BRC के मेंटेनेंस के लिए विभाग से जारी होता है। बाहर से रंगाई पुताई कराकर BRC को सुंदर दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कभी अस्थाई समाधान नहीं निकला। सोचने वाली बात यह है कि पैसा जाता कहाँ है। स्कूलों में शासन के निर्देश पर कायाकल्प कराया जा रहा है, स्कूलों को सुंदर बनाया जा रहा है, लेकिन BRC खंडहर में बदलती जा रही है। इस पर अधिकारियों की भी नजर नहीं पड़ रही है। आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र से खबर है, जहां पुलिस ने घर में घुसकर चोरी करने वाले 4 साथी चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद किया है। बता दें कि जानकारी के अनुसार ग्राम नवरसिया में निर्मला देवी के घर में घुसकर कुछ लोगों ने चोरी की नियत से असलाह दिखाकर सोने की एक चैन व अंगूठी व 5,000 रुपये नगद और मोबाइल चुरा कर भाग गए थे, जिसके संबंध में पीड़िता द्वारा स्थानीय थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। और आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर तरवा पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बड़ी कार्रवाई की और सफलता भी हासिल की, जिसमें
चोरी करने वाले चार साथी चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से तमंचा कारतूस और चोरी की मोबाइल बरामद कर लिया है। और आजमगढ़ में पूर्व मंत्री और विधायक नफीस अहमद ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर में समाजवादी परिवार के साथियों के साथ सरायकाजी परशुरामपुर बाजार में बैठक व डोर टू डोर जनसंपर्क किया और साथियों के साथ बैठक कर चुनाव की चर्चा की। चुनावी चर्चा के दौरान गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल लोगों के साथ छलावा किया है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश दिखना है तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है, इसलिए आप लोग समाजवादी पार्टी को वोट कर भारी बहुमत से अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, जिससे बेरोजगारों किसानों और युवाओं का भविष्य बेहतर हो सके। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी श्रीराम सोनकर का टिकट मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सागढ़ चौक पर फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। आपको बताते चलें कि जैसे ही श्रीराम सोनकर का काफिला सागढ़ चौराहे पर पहुंचा, वैसे ही सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिंदाबाद, श्रीराम सोनकर जिंदाबाद, योगी और मोदी जिंदाबाद के साथ साथ जय श्रीराम के नारे लगाए। उसके बाद श्रीराम सोनकर ने सागर चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी का दर्शन किया। स्वागत से अभिभूत श्रीराम सोनकर ने कहा कि पार्टी ने जिस प्रकार हम पर विश्वास जताया है, हम भी पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक बार फिर से यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में अपना अहम योगदान देने का काम करूंगा। इस दौरान मनीष कुमार सोनकर, ऋतिक कुमार, जमशेद खान, अतुल सोनकर, नागेंद्र चौहान, अरविंद यादव, दीपक यादव, विवेक मोदनवाल, सूरज सोनकर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टीवी 20 न्यूज संवाददाता राकेश कुमार से बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं सागर चौराहे पर जहां पर आज भाजपा कार्यकर्ता मनीष सोनकर हमारे साथ हैं और ये सभी लोग मिलकर आज भाजपा के जो अहमदाबाद विधानसभा के राम सोनकर विधायक रह चुके हैं और प्रत्याशी का आज नामांकन करने वाले हैं, आज उन्हीं के स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। आइए जानते हैं। आज विधायक जी का, हमारे विधायक जी श्री राम सोनकर जी का जो नामांकन है और हम लोग इस चौराहे पे खड़े हैं उनके स्वागत के लिए, स्वागत करेंगे और यहाँ से वो सीधे जाएंगे मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद में भी स्वागत समारोह रखा गया है, उसके बाद वो पर्चा दाखिला करेंगे। पर्चा दाखिला करने के बाद वो अपने विधानसभा में क्षेत्र में घूमेंगे। जैसा आपने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे, आप जी जी मैं गया हूँ। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, माहौल बहुत बढ़िया है और वहाँ हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, 10,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। अगर विकास कार्यों की बात की जाए, जैसे विधायक रह चुके हैं, क्या विकास कार्य, क्या उस एरिया में क्या उन्होंने विकास किया? विकास तो बहुत कुछ हुआ है, वहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगा है, हाइडिल है बनी हुई है, गुरुद्वारा में विधायक जी ने 50 लाख अपनी निधि से वहाँ दिया है और करहा में भी है और मोहम्मदाबाद में चौतरफा विकास जो रोड बनी है सब उन्हीं के कार्यकाल में और उन्हीं के शासनकाल में बनी है। और विधायक जी का सबसे जरूरी काम है कि जनता के बीच रहना, वो हमेशा जनता के बीच रहे हैं और रहते हमेशा रहे हैं। से बात करवाते हैं जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? जी मेरा नाम अमित अहमद है। क्या आप लोग इसमें यहाँ पर हम लोग माननीय विधायक सर भाई झंडा बना के क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा रहा है। मेन चीज उनके ऐसा इंसान होना बहुत मुश्किल है और वो इंसान बहुत अच्छा है, मतलब कोई भी अपने दरवाजे पे जा सकता, जो भी आया है चाहे वो गरीब तबके का रहा हो चाहे जैसा भी रहा हो, सबके लिए मदद की है और सबके साथ खड़े रहे हैं, कोई निराश होकर इनके दरवाजे से आज तक नहीं गए। जैसे कहा जाता है कि मतलब सारी योजनाएं हैं, तो आप लोग भ्रमण किए हैं क्षेत्र में, योजनाओं का लगभग लगभग जितनी भी उपलब्धियाँ मिलनी चाहिए थी वो हमारे क्षेत्र अहमदाबाद को मिली है। जो भी मतलब जो भी राय इन्होंने क्षेत्र के मदियापार स्थित श्रीराम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान सुल्तानपुर जमीन जगदीशपुर तरौलिया विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पहली बार प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई देने वालों का तांता रहा।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे ने प्रेस वार्ता के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी एक मिशन की पार्टी है जो हमेशा गरीब, लाचार, मजबूर, सभी जाति धर्मों की राजनीति करती है। इस पार्टी में सभी धर्म जातियों का सम्मान है। कांग्रेस पार्टी द्वारा हमेशा देश के विकास के लिए कार्य किया है। कांग्रेस पार्टी की ही देन है, आजादी के बाद से देश विकास की उस गति के कार्य किया है। सुनाते हैं कांग्रेस प्रत्याशी रमेश कुमार दुबे ने क्या कुछ। हमने आपको बधाई देते हुए कहते हैं कि आज आपने अकोले विधानसभा से कांग्रेस की विधायक की दावेदारी है, इसके लिए बताइए आप किसको शेयर देंगे और क्या करेंगे। सबसे पहले तो मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देंगे और कांग्रेस से मेरी दावेदारी तय करने के लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देंगे, अपने कांग्रेस के समस्त संगठन के पदाधिकारियों का धन्यवाद देंगे, समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देंगे और अतरौलिया की समस्त जनता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि एक राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे बुला करके और यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा। आप कई बार विधानसभा चुनाव के लिए लड़ने की तैयारी की, पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से भी तैयारी करें, टिकट नहीं मिला संयोग से, इस बार आपको एक राष्ट्रीय पार्टी से टिकट मिला है, उसके लिए आप कैसे करें। हमारा प्रयास शुरू से आज तक यही रहा, जो लोग गरीब हैं, निरीह हैं, दलित हैं, जो पीड़ित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, जिनका समाज में कहीं अस्तित्व नहीं है, उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैं बचपन से ही तैयार रहा और इस तैयारी को बनाने वाली मेरी माँ है। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही ये प्रेरणा दी है और हमारे आसपास के समस्त लोग ये जानते होंगे कि मेरी माताजी स्वयं इस कार्य में इन्वॉल्व रहती थीं, इसमें संलग्न रहती थीं। गांव का कोई भी निरीह, गरीब, परेशान उनके पास आता था तो वो अपनी बचत के पैसे से उसकी मदद कर दिया करती थीं। वही भावना, वही प्रेरणा लेकर के मैं समाज सेवा के रास्ते में आया और इस प्रयास को यहाँ पर ले जा करके मैंने पार्टी का रूप देने का प्रयास किया, जिससे कि इस प्रयास को और मुखर रूप से और कायदे से लोगों तक पहुंचा सकूं। लेकिन कुछ पार्टियों ने उस विषय पर ध्यान नहीं दिया, फिर जनभावना को समझते हुए हमें उनकी मदद करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए एक जगह ताकत की आवश्यकता है जो जनता की ताकत होगी, समाज की ताकत होगी। इस वजह से हम वहां टिकट नहीं पाए, लोगों ने कहा और समाज सेवा में रत लोगों ने प्रयास किया और कांग्रेस ने हमें सम्मान दिया। हम कांग्रेस नेतृत्व का पुनः धन्यवाद करेंगे, इस जनता का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। अतरौलिया विधानसभा को आप बहुत करीब से देखे हैं और कई वर्ष से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, मुद्दा क्या होगा, क्या विकास होगा, इसके बारे में बताइए। अतरौलिया विधानसभा में विकास के नाम पे केवल ठगी की गई, बेईमानी की गई। आप पूछेंगे यहाँ जनप्रतिनिधियों से, सत्ताधारी दल के लोगों से, पदासीन विधायक से, तो वो एक बिल्डिंग की तरफ उंगली करके दिखाते हैं कि हमने ये विकास किया, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं आऊँगा तो उस हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन, डॉक्टर, दवाएं, इंजेक्शन सब कुछ उपलब्ध होंगी, जो कि आज